दैनिक दिनचर्याओं पर चर्चा करते हुए हम सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों को सुबह में कितने बजे जगना चाहिए, मालूम है ना आप लोगों को? कितने बजे? चार बजे उठते हैं रोज, चार बजे नहीं उठते हैं। और उठ करके हम लोगों को पानी पीना है, क्या पीना चाहिए? पानी। छोटे बच्चों को एक गिलास और बड़े लोगों को तीन गिलास। छोटे बच्चा कितना पिएगा? एक गिलास। बड़ा आदमी? तीन गिलास। पीते हैं रोज आप लोग पानी? उठ करके नहीं पीते हैं, आज से पीना शुरू कर दिए कल से। ठंडा या गर्म? गर्म पानी ज्यादा लाभकारी होता है। यदि गर्म पानी नहीं मिल रहा है तो ताजा पानी भी आप ले सकते हैं, लेकिन गर्म पानी ज्यादा फायदेमंद है। उठते ही तीन गिलास पी जाइए, पीने का मन भी नहीं करे जबरदस्ती पी जाइए। उल्टी का मन करे तो मुंह में अंगूरी डाल करके दो तीन बार मारेंगे तो सब पानी बाहर फेंक दीजिएगा, सब कचरा अमाशय का बाहर निकल जाएगा। और दो तीन दिनों के अभ्यास के बाद कभी भी आपको डकार, गैस, कब्ज नहीं बनेगा, पाचन शक्ति मजबूत हो जाएगा और लैट्रिन यानी शौच खुल करके होगा, ढीला होगा, कड़ा नहीं होगा। और कब्जियत जिसको कहते हैं कंस्टिपेशन अंग्रेजी में, तो कब्जियत, कंस्टिपेशन और गैस की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगी। अम्ल पित्त की शिकायत जिनको खट्टा डकार आता है, बार बार उल्टी का मन करता है, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो सबसे पहले हमको कितने बजे जग जाना है? 11 बजे। बहुत बढ़िया। छोटा बच्चा कितना पानी पिएगा? एक गिलास। बड़ा आदमी? तीन गिलास। खूब सुंदर। बैठ के पीना है कि खड़ा होकर पीना है? बैठ करके पीना है। लेकिन आप लोग कभी कभी खड़ा होकर पीते हैं ना पानी? बिल्कुल नहीं पीना, नहीं तो जिंदगी भर घुटना में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द हो जाएगा। हमेशा बैठ करके पानी पीना है। इसके बाद पानी पीने के बाद तीन तरह के आसन करना है। बोलिए, ताड़ासन, ऊर्ध्व ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। याद हो गया ना? ताड़ासन में हम हाथ ऊपर करते खींचते हैं, फिर दूसरे ऊर्ध्व ताड़ासन में एड़ी भी उठा कर हाथ ऊपर खींचते हैं, खड़े होकर करना है। और फिर तिर्यक ताड़ासन में दोनों तरफ झुकना है 10-10 बार। सुबह उठना है, पानी पीना है और ये तीनों आसन 10-10 बार करके तब लैट्रिन करने जाना है। कहाँ जाना है? तो लैट्रिन क्लियर हो जाएगा, एकदम झड़ाक दे हो जाएगा। कुछ आदमी बैठ करके कूंख रहा है, कर रहा है और बवासीर हो जाता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता है? या पैखाना का रास्ता बाहर निकल जाता है, माँ बहनों को गर्भाशय बाहर निकलने लगता है। इसलिए ऐसा करने के बाद शौच करके और हाथ मुंह धो करके और जो सुबह में योग हम सिखा रहे हैं वो करना है। बोलिए, भस्त्रिका, कपाल भाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये चार प्रमुख प्राणायाम है। कितने प्राणायाम है प्रमुख? चार। बोलिए, मुख्य प्राणायाम? मुख्य प्राणायाम चार है। चार है। कुल प्राणायाम आठ है। कुल प्राणायाम कितने हैं? आठ। और ज्यादा लाभकारी कितने हैं? चार। चार है। तो अभी जो हमने बताया है, बोलिए, भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये चारों ही यदि प्राणायाम करते हैं तो सर्दी, जुकाम, लकवा, कैंसर, बीपी, तनाव, क्रोध, माइग्रेन, फरका, जितना बीमारी है सब ठीक हो जाएगा। बस देखने में हल्का है लेकिन करिएगा तो इससे बढ़ के दुनिया में कोई लाभकारी दूसरा दवा ही नहीं है।